फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 12 दिसंबर की करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले हम वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कल का आपका टेस्ट था कि उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से नंबर के गवर्नर थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो उर्जित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर थे, और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर नियुक्त हुए उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर कि अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है ये हाल ही में 12 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। और अगर ये दिन 12 दिसंबर 2018 को सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आप लोग याद रख लीजिए। इसका थीम है यूनिट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नाउ इज द टाइम फॉर द कलेक्टिव एक्शन। ये इसका थीम है 2018 का। अब इसके बाद आपको पता चाहिए कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक किया जा सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 2017 में ये दिन सबसे पहले मनाया गया था। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा किसने की थी, तो ये घोषणा यूएन ने की थी, यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बताती हूँ, यूनाइटेड नेशन कहें या फिर कहें संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूएस के अंदर। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और इसके जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है अमीना जी मोहम्मद। इतनी बहुत बातें आपको यूएन के बारे में नोट करनी थी। अब ये जो ऑप्शंस लिखे गए हैं वो भी रिपीट करने वाली हूँ एक बार, और जितने भी 12 दिसंबर तक इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, आपको 1 दिसंबर को याद रखना है विश्व एड्स दिवस, जो कि सेलिब्रेट किया गया। और उसके बाद 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस याद रखना है, और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी याद रखना है, और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, और उसके बाद 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस सेलिब्रेट किया गया, और इसके बाद 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया, और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी सेलिब्रेट किया गया, और उसके बाद 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस सेलिब्रेट किया गया, और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस सेलिब्रेट किया गया, और उसके बाद 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने हमारी पनडुब्बी दिवस सेलिब्रेट किया है, और उसके बाद 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया गया यानी कि ह्यूमन राइट डे, और उसके बाद 11 दिसंबर को 2 दिन सेलिब्रेट किए हैं। पहला है इंटरनेशनल माउंटेन डे जो कल पढ़ाया गया था आपको, और 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के साथ साथ एक और दिन सेलिब्रेट किया गया, वो दिन है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको बताया कि जितने भी डेज और डेट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थीम्स भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथे पार्टनर्स फॉर्म का उद्घाटन किया है। तो इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हाल ही में चौथे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स फॉर्म का उद्घाटन किया है, और इस पार्टनर फॉर्म का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी कौन है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस पार्टनर फोरम में 85 देशों के लगभग 1500 से भी अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स फोरम का उद्घाटन क्यों किया गया, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, तो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए इस पार्टनर्स फोरम का उद्घाटन किया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हमारा भारत इस पार्टनर्स फॉर्म
की मेजबानी कर रहा है, दूसरी बार हमारा भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। पहली बार भारत ने कब इसकी मेजबानी की थी इस फॉरम की, तो 2010 में इसकी मेजबानी की थी हमारे भारत ने। और इस पार्टनर फॉरम की शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत 2005 से हुई है। अगला क्वेश्चन है आज का कि किस राज्य के पूर्व मंत्री जिनका नाम है CN बालकृष्णन, उनका निधन हो गया है, तो CN बालकृष्णन ये केरल के पूर्व मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है CN बालकृष्णन, और इनका निधन कहाँ पर हुआ है, तो केरल के अंदर कोच्ची में इनका निधन हुआ है। और इनका जो निधन हुआ है ये 87 ईयर की एज में हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो CN बालकृष्णन है ये केरल के मंत्री के साथ साथ कांग्रेस नेता भी थे। अब इनका निधन केरल में हुआ है और ये केरल के पूर्व मंत्री भी हैं, तो केरल के बारे में भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर है केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन, और केरल के जो गवर्नर है उनका नाम पालानी स्वामी सत्यशिवम। और केरल के अंदर लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9 और विधानसभा की सीटें 140। और केरल का जो फोक डांस है जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद है वो है चखिया कोथू, और केरल का नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आज का अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने इंश्योर पोर्टल लॉन्च किया है, तो जो इंश्योर पोर्टल है ये हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। और इसे किसने लॉन्च किया है, तो एग्रीकल्चर जो हमारे मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राधा मोहन सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस ये पोर्टल क्या है, तो ये पोर्टल है insure.nabard.org, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये नाबार्ड के द्वारा विकसित किया गया है। नाबार्ड के बारे में बताती हूँ, देखिए नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस ये जो बैंक है नाबार्ड, ये रूरल एरियाज में स्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जो रूरल एरियाज के एग्रीकल्चर हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके और रूरल एरियाज का डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए इन बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है हर्ष कुमार भरवाला। और इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इससे लोगों को क्या हेल्प होगी, तो जो हमारे रूरल एरियाज के फार्मर्स वगैरह हैं उन्हें इस पोर्टल के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प मिल सकेगी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब ये पोर्टल उन्हें प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला उत्सव का उद्घाटन किसने किया था, तो कला उत्सव का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। प्रकाश जावड़ेकर कौन है, तो ये हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं जिन्होंने कला उत्सव का उद्घाटन किया है। और इस कला उत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में। अब इस कला उत्सव का उद्घाटन क्यों किया गया है, इसे क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, तो जो जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें कला यानी कि आर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस कला उत्सव का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, तो उनका नाम है जमाल खशोगी। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है जमाल खशोगी, और इन्हें हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि जमाल खशोगी कौन है, तो ये सऊदी पत्रकार हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए नामित किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जमाल खशोगी को मरणोपरांत इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु अक्टूबर 2018 में इनकी हत्या की गई है। कहां पर इनकी हत्या हुई थी, तो इनकी हत्या तुर्की में हुई थी। अब पर्सन ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड है ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि 1927 से दिया जा रहा है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। और 2016 में ये अवार्ड किसे मिला था पर्सन ऑफ द ईयर, तो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक पूर्ण सदस्य बन गया है, तो उस देश का नाम है इजराइल। हाल ही में इजराइल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूरी तरह से सदस्य बन गया है। अब ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या है, तो देखिए इसे टास्क फोर्स की जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी। और इसके क्यों गठन किया गया था, तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इसे टास्क फोर्स को गठित किया गया था। और ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है मार्शल विलिंगसिया। इजराइल इसका सदस्य बना है, तो इजराइल के बारे में भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो मार्गिंग यहाँ पर इजराइल छोटा सा, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल, इजराइल के प्रेसिडेंट है
रूवेन रिवलिन और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी और इसराइल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसको मिथोलिमा शीर्षक के साथ सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है मैरी कॉम, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये है मैरी कॉम, पीछे देख के आपको पता लग गया होगा। और इन्हें हाल ही में मणिपुर के मिथोलिमा शीर्षक के साथ सम्मानित किया गया है। और ये जो मिथोलिमा शीर्षक है ये मणिपुर का एक उत्कृष्ट रानी सम्मान है जो कि मैरी कॉम को दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और जो 6ठा गोल्ड मेडल है ये इन्होंने 2018 में जीता है। आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया गया था इससे रिलेटेड, तो इसीलिए इन्हें इस मिथोलिमा शीर्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। और इन्होंने ये गोल्ड मेडल कब जीते थे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहला जो गोल्ड मेडल है ये इन्होंने 2002 में जीता था, उसके बाद दूसरा 2005 में, तीसरा 2006 में और चौथा 2008 में। और उसके बाद जो पांचवा गोल्ड मेडल है वो 2010 में जीता था और छठा आप लोगों को पता ही है 2018 में जीता था। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग मैरी कॉम जी के बारे में भी नोट कर लीजिए। देखिए जो मैरी कॉम है इन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उसके बाद 2009 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसके बाद 2013 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मणिपुर का ये उत्कृष्ट रानी सम्मान है, तो मणिपुर के बारे में भी नोट कर लीजिए क्योंकि जो मैरी कॉम जी है ये भी मणिपुर की है। तो यहाँ पर जो मानी यहाँ पर मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हब्तुल्ला। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 7। मणिपुर का फोक डांस है मणिपुरी। मणिपुर का नेशनल पार्क है केम्बू लमजाओ नेशनल पार्क। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल @cyberdost लॉन्च किया है, तो उस मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में ट्विटर हैंडल @cyberdost लॉन्च किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है ये क्यों लॉन्च किया गया, इससे लोगों को फायदा क्या होगा और इसका उद्देश्य क्या है, साइबर अपराधों को रोकने के लिए लोग क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इन सब बातों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए इस ट्विटर अकाउंट को लॉन्च किए गए हैं। और गृह मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, तो हमारे होम मिनिस्टर जो है उनका नाम है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है किसको WTA यानी कि वुमेन टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में चुना गया है, तो उनका नाम है सच्चा वाजी, जिन्हें हाल ही में वुमेन टेनिस एसोसिएशन कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले विजेता के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर आपको सच्चा वाजिन के बारे में पता होना चाहिए, जो सच्चा वाजिन है ये किन के कोच है, तो ये जो हमारी टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है नाओमी ओसाका, उनके कोच हैं ये, जिन्हें हाल ही में कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब इन्हें इस अवार्ड के लिए क्यों चुना गया है और ये अवार्ड किन कोच को दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया हो और उनकी सफलताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित भारत के पहले जीन मॉनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया था, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन टोमास लेजोम्स्की ने किया है। अब ये टोमास केजलोत्स्की कौन है और ये भारत और भूटान के यूरोपीय संघ के राजदूत हैं, टोमास केजलोत्स्की। और इस जीन मॉनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन क्यों किया गया है, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एजुकेशनल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अब इस जो सेंटर का नाम रखा गया है जीन मॉनेट, इनके नाम पर रखा गया है जीन मॉनेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका नाम जीन मॉनेट के नाम पर रखा गया है। और ये जीन मॉनेट्स कौन थे, तो ये हमारे फ्रांसीसी राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और इन्हें यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से भी एक माना जाता है और इन्हें यूरोप का पिता भी कहा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूरोप का पिता किन्हें कहा जाता है, तो उनका नाम है जी मॉनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों की समिति के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षकों की समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे ये है राजीव महर्षि।
अब यहाँ पर राजीव महर्षि के बारे में नोट कर लीजिए। देखिए जो राजीव महर्षि हैं ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, और ये जो समिति है लेखा परीक्षकों की समिति, ये कितने देशों की समिति है, तो 11 देशों की समिति है। और इस लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1959 में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी, तो उनको यहाँ में UNGA ने इसकी स्थापना की थी। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। और ये थे आपके 13 दिसंबर के करंट अफेयर। और जैसे स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में एक टेस्ट दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट है कि स्विफ्ट इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। उनका नाम बताना है, स्विफ्ट इंडिया के चेयरमैन का नाम बताना है, और स्विफ्ट इंडिया इसकी जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।